सास को इतना दिया तो जेठानी को भी इतना देना चाहिए, तो कि मैं सक्षम हूं अपना कुछ भी करने के लिए। इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और वेडिंग सीरीज जो है उसे एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कमेंट जरूर करना। मुझे भी जाना है मार्केट, हमारे घर के बगल में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आया हुआ है, उसके लिए कपड़े खरीदने हैं। सो मम्मी के साथ जा रही मैं अभी, और मेकअप करने का मेरा बिल्कुल भी मन है नहीं है। कोलाबरेशन के कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, बट करना है यार, काम तो काम होता है ना, तो करना तो पड़ेगा ही। सो अभी जा रही हूँ मैं, कंघी कर लेती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ। और बहुत से लोगों का बस यही है कि दी आप अपने साइड का डालो, तो मैंने आपको बताया मेरे पास क्लिप नहीं है मेरे साइड का जो है, यानी कि अब जो है शुरुआत हो चुकी है, ब्राइडल एंट्रीज है। सो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, आपका वो नहीं होता लेकिन हमें खुशी बहुत होती है। और चैनल सब्सक्राइब करने के ना आपके पैसे जाते हैं ना हमें पैसे मिलते हैं। किसी ने कमेंट किया हुआ था पिछले वाले व्लॉग में, नहीं नहीं इनके जेब भर जाएंगे, कुछ ऐसे बोला हुआ था, ध्यान नहीं क्या बोला हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें उसके कुछ पैसे भी नहीं मिलते, एक भी नहीं मिलते, हमें हमारे व्यूज़ के मिलते हैं बस, और कुछ नहीं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं और मम्मी निकले मार्केट के लिए। तो सबसे पहले हम गए ब्लाउज़ सिलने के लिए देने के लिए, जो भी मम्मी को साड़ी दिया था ना निक्की ने, उन सबका ब्लाउज़ देना था सिलने के लिए, तो वही हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। लेकिन बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, फॉग इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, एकदम बिल्कुल वातावरण बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। तो इस वजह से ना दिल्ली में छुट्टियाँ भी पड़ी हुई है 2 दिन बच्चों की, और धनु की तबीयत पता नहीं, थोड़ा सा भी ऐसा मौसम होता है ना पहले ही स्टार्ट हो जाता है तबीयत ख़राब होना, तो उनको भी जुकाम थोड़ा बहुत फीवर है, इसकी वजह से 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो मैंने सोचा एक फ्राइडे को भी रहने देती हूँ, नहीं भेजती हूँ, अब मंडे से ही जाएंगे, तो इसलिए नहीं भेजा। और यहाँ पे मम्मी वही ब्लाउज़ दे रही हैं सिलने के लिए। ब्लाउज़ देने के बाद हम निकलेंगे अट्टा मार्केट, हमें कपड़े लेने हैं छोटे बच्चे की। ब्लाउज सिलने के लिए दे दिया है ना, ये देखो बच्चों की तरह मैंने चिप्स और जीरा पानी ले लिया, और मम्मी को सब्जी दिखती है, सब्जी खरीदने चली गई। क्या मम्मी दोनों एक ही तो है? अच्छा, यहाँ पे मम्मी मुझसे पूछ रही थी कौन कौन सी सब्जियाँ ले लें, क्या क्या, तो वही मैं बता रही थी। मैंने बोला करेले बहुत सुंदर है, ले लो मम्मी, करेला मुझे बहुत पसंद है। आप में से कितने लोगों को पसंद है ज़रूर बताना। वैसे वेजिटेबल्स सारे तो नहीं खाते, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ग्रीन में बहुत अच्छे से खाती हूँ। बच्चों के इसलिए छुट्टियाँ पड़ी है, यूपी में तो नहीं है दिल्ली में, लेकिन मैं धनु की तबीयत खराब थी नहीं जा रही थी, इसलिए आज भी छुट्टी करवा दिया, लेकिन मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हम ना लिट्टी कहीं देखे और मन ना लल जाए, ऐसा हो नहीं सकता यहाँ लिट्टी देख के। फिर मैंने बोला चलो मम्मी ले लेते हैं, इनसे पूछा था कि आप कहाँ से होते, इन्होंने बोला यूपी से। मैंने बोला फिर तो अच्छा नहीं होगा, तो कह रहे नहीं हमारा जो उस्ताद है ना वो बिहार का है, मधुबनी का। तो मैंने बोला चलो ठीक है ले लेती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं था। फिर हम यहाँ पे दुकान पे आए और न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमने कपड़े लिए। हमारे घर के बगल में आंटी हैं, उनको पोता हुआ है, काफ़ी हैप्पी है, उन्होंने बुलाया हुआ था। सो वहाँ पे फंक्शन में जाना है, उनका बेबी को देखने जाना है मम्मी को, तो इसलिए हमने कपड़े लिए। और वहाँ से फिर निकले और सीधे हम गए एक और मार्केट में, जहाँ और भी बहुत सारे काम थे। और उसके बाद वहाँ से रिक्शा ऑटो कुछ नहीं मिल रहा था घर आने के लिए, बहुत टाइम के बाद हमें मिला, फिर हम घर आए। अभी आपके आएगा मुंह में पानी, क्या ऐसा साफ करो, उसमें है बाकी, उसमें है ये देखो लिट्टी जो है, लिट्टी जो कहाँ का है, रोड पर से, किसमें 18 वो जो उसको मेट्रो में लेके जाता है, हाँ हाँ गंदा है, गंदा है उससे थोड़ा सा हट गया। सो गाइस, मार्केट गई हुई थी, मार्केट से आ गए, लिट्टी चोखा खा लिए और खास नहीं था, उससे अच्छा तो हम घर पे बनाते, वो देख के ऐसे लालच आया कितना अच्छा होगा, टेस्टी होगा। आज मैंने बोल दिया विकास से कि अब मैं कभी नहीं खरीदूंगी लिट्टी चोखा, क्योंकि हमेशा मैं सोचती हूँ कि वो बहुत टेस्टी होता वैसा वाला होगा कुछ, और वो मिलता ही नहीं है यहाँ पे। फिर उनको वो कह रहे नहीं नहीं भाभी मैं खिलाऊंगा, सेक्टर 18 से लाऊंगा। मैंने बोला नहीं रहने दो मुझे नहीं खाना, देखेंगे। सो अभी मैं स्पेशल कुछ बात करने आई हूँ आप लोगों से, आप लोगों के कॉमेंट के ऊपर, जो आप लोग कॉमेंट कर रहे हो ना करवा चौथ का ब्लॉग देख के,
उसके लिए मैं आई हूँ। मुझे पर्सनली आना पड़ा क्योंकि ठीक है, मुझे पता है कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे राइट है, आप लोगों को पूरा राइट है कि आप जो देखो वो बोलो हमें, ठीक है, आप जो चाहो वो कमेंट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत सलत कुछ भी, तो इसका भी राइट होता है हमें कि हम इस चीज़ के लिए हम बोलें, हम अपनी आवाज़ उठाएं कि नहीं ये बहुत गलत है आप जो बोल रहे हैं ना, इस चीज़ के लिए आपको मतलब कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस जो बातें करते हैं ना उनको या तो ऐसा लगता है ना ऐसे लोगों को, या तो कमेंट डिलीट कर दो या फिर उन्हें जवाब दो। आप लोग कहते हैं कि दी आप मत बोलो जो पता है चल जाएगा, तो कैसे पता चलेगा यार, कुछ लोग तो बिना सेंस की बात करते हैं, जैसे मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ जो मेरे चाहने वाले हैं, नहीं वो मेरे चाहने वाले नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं वो निक्की को ट्रोल करने वाले लोग, मतलब आप लोगों ने जो कमेंट किया है उसका सामान देख के कि उसने अपने सास को 5 या 7 साड़ी दी तो जेठानी को एक ही क्यों दिया, मतलब एक हद होती है इस चीज़ को लेके बोलने के लिए कि क्या सोच के आप ये चीज़ बोल रहे हो। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मतलब क्यों, किस लिए, आप लोग पता है मेरे लिए, मुझे लगता है कि सभी के लिए, मोस्टली लोगों के लिए, सभी को इंक्लूड नहीं कर सकती, जो प्यार और रिस्पेक्ट होता है ना वो मायने रखता है, चीज़ समान नहीं। प्यार से कोई कुछ भी देता है ना तो उससे दिल खुश होता है, ना कि पूरा ऐसे थाकी लात देने से लोग खुश हो जाते हैं, नहीं। दूसरी बात कि आप सास और जेठानी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, नहीं, जेठानी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, 100% देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो, ये बोलो, बहुत सारे लोगों ने बोला कि निकी ने ऐसा किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, कमेंट देख के अच्छा लगा, लेकिन जिन लोगों ने ये कमेंट किया कि जेठानी को एक दिया और सास को इतना सारा दिया, उनका कमेंट मुझे बहुत गलत लगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा गलत है और इसमें आप लोग जाने अनजाने में आप लोग गलत कर रहे हो। जिन आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ कहोगे तो वो अगली बार से फिर मुझे भी देंगी इतना सामान या कुछ ऐसी, मुझे बहुत खुशी होगी ये चीज़ जान के, तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी इस चीज़ से कि अगर आप बोलो तो उस चीज़ के दिखावे के लिए करके, या फिर अगर वो करे भी तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, देखो ये जो होता है सुहाग के लिए होता है तो अपनी खुशी से लोग सिंदूर बिंदी देते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से जो मन करता है, बिछुआ, पायल, कंगन, सोनी, जो भी जिसकी जो होती है कैपेबिलिटी बोले या फिर इच्छा जो भी बोले होती है, वो उस हिसाब से देता है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कंपेयर करो कि जिठानी को दे रहे हो तो फिर सास को, अगर मान लो कि उसको 5 जिठानी होती तो, या 4 और ननद होती, और भी कुछ रिश्ते ऐसे होते, चाची, सास, मौसी, इतने सारे लोग होते, सबको देना होता, तो फिर तब भी आप लोग ऐसे ही कंपेयर करते। अब आप बोलोगे कि नहीं, जो दूसरे और रिश्ते का कंपेयर नहीं कर सकते, जेठानी एक ही है तो इसलिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल गलत है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला ये कि इतना सबको पता है कि मैं सक्षम हूँ अपना कुछ भी करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये जो एक नियम होता है, एक ये प्यार होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, उसके हिसाब से उसने मुझे जो दिया, मुझे इतना सा, वो बहुत इतना लगा, तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप लोग ट्रोल ना करें और कमेंट ना करें। दूसरी बात कि अगर आप किसी के मन में ये चीज़ डालोगे कि सास को इतना दिया तो जेठानी को भी इतना देना चाहिए, तो उस इंसान के मन में भी ये चीज़ आएगा कि अब मैं क्या करूँ, लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो क्या मैं सास को भी नहीं करूँ, सास को अगर 5 करूँ तो मुझे जेठानी को भी 5 करना पड़ेगा, इससे अच्छा एक एक कर लेते हैं। तो ये जो धारणा है ना आप लोग के अंदर, किसी को इतना ऐसे इस चीज़ से ना किसी को इतना नेगेटिव की तरह आप ले जाओगे कि आप खुद नहीं सोच सकते, वो हमारी समझदारी या उसकी समझदारी हो कि हम जो सही लगेगा हम वो करेंगे, लेकिन ये जो आप लोग बोल रहे हो ना ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी को अपनी इच्छा से मन कर रहा है अपनी सास के लिए करना ये करना, तो वो कर सकता है क्योंकि वो सास है, और सास का मतलब जानते हो, जिसने अपनी पूरी दुनिया अपने बेटे को हमें दे दिया, हम उसके उसका कंपेयर किसी और से नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। तो ये जो आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो कि दिखावे के लिए एक साड़ी रख दिया या कुछ भी, तो ये कमेंट जो बिल्कुल भी गलत है, आप लोग ऐसा कमेंट बिल्कुल भी ना करें। मुझे जब पढ़ के इतना बुरा लग रहा है तो सोचो मतलब किस टाइप का आप लोगों ने कमेंट किया। मैं अपनी बात इसलिए कर क्योंकि आप लोग उसमें मेरे लिए बोल रहे हो कि मुझे देना चाहिए था, तब मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो। दूसरी बात कि जो इन सब चीज़ों को लेके कहते हैं ना कि वो अपने सास को इतना सारा बटरिंग करने के लिए दे रही है, मक्खन लगाने के लिए दे रही है,
है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर ये सब करना सास को, ये सब करना अगर बटरिंग है, तो खुशी खुशी आप लोग भी ये बटरिंग करो। अगर हम अपनी सास से चिपकते हैं, गले लगते हैं, उसे कहना करना अगर बटरिंग है, तो आप लोग भी खुशी खुशी करो, क्योंकि आपकी सास जो है ना वो आपकी दुनिया है। क्योंकि आपकी जिससे जो आपकी दुनिया है ना, वो इंसान उसी से जुड़ा हुआ है, उसी ने आपकी दुनिया आपको दी है। तो ये अगर बटरिंग है ना, तो ये बटरिंग आप करो, क्योंकि ये हक है हर सास का इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट पाने का। सो प्लीज़, अब यहाँ पे कोई मुझे ये कमेंट ना करने आए कि दुनिया की हर सास आपकी तरह नहीं होती, तो हम नहीं कर सकते हैं जो भी, तो वो मुझे नहीं पता, मेरी सास नहीं, मुझे पता है। मैंने जितने भी अपने आसपास जितने भी ऐसे औरतें देखी जिन्होंने अपने बेटे की शादी की है, उनका डेडिकेशन देखा है, उनकी फीलिंग्स देखी है उसमें, जहाँ तो मुझे ऐसा लगा है, इतना फील हुआ है कि कोई भी सास जो है अपनी बहू की दुश्मन नहीं होती है। हालात और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं वो पैदा होते हैं। तो वो आपके हाथ में, आप उसे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बैठ के। और हाँ, जब तक आपके मन में ऐसे रहेगा ना कि आपके सास आपके दुश्मन है, तब तक आप ये कभी नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मेरी सास ही मेरी दुश्मन हुई पड़ी है, ये है वो है। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपको लगता है कि ठीक है हम उनके हिसाब से ही कर लें, इसमें क्या जा रहा है, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम भी ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आपको ये लगेगा ना कि हम शादी करके जाए और हम ही मालकिन बन के बैठ जाएं, क्यों, क्योंकि हमारा पति कमारा, यार वो जो तुम्हारा पति है वो पहले किसी का बेटा है, भाई है, सब है, उसके बाद वो तुम्हारा पति है, तुम्हारा हक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, तुम जब ये जब एक लड़की के अंदर आ जाता है ना कि हम शादी करके और हम ही मालकिन बन जाए, तभी उस घर की जो सास है वो भी बुरी बनती है, उस घर के सारे रिश्ते खराब होते हैं। जिस दिन ये मन से निकल जाएगा और वो ये सोचेगा कि जैसे उनके बेटे हैं या बेटी है, जैसे वैसे हमें, वैसे अगर हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अरे मैं इस बारे में लेक्चर दूंगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आने वाले सास बहू को लेके कि आपकी सास ऐसी इसलिए आप बोल रहे हो। नहीं, मैं पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ, आगे भी शायद मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी समझाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर पाऊंगी। ये मैं इस बात को भी मैं मानती हूँ कि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी कि मैं अगर मैं बताना चाहूँ, एग्जांपल दूँ, तो फिर वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, चाहे मैं गलत, मतलब मैं नहीं बताना चाहती, ठीक है, नहीं बताओ तो आप लोगों को लगता नहीं दीदी जो है बिल्कुल लाइफ में बहुत ही हैप्पी होंगी, इनके साथ कुछ नहीं हुआ होगा कुछ, इसलिए ऐसे लेक्चर देती है। तो ये सारी जो सोच है आप लोगों की, यहाँ से उपज होता है। मैं ये भी मानती हूँ कोई भी ऐसी लड़की नहीं होती जो सोचती है कि मैं शादी करके जाऊँ और अपना घर तोड़ लूँ, ये भी नहीं होता, मैं इसके लिए भी नहीं बोलूँगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हर किसी को समझना चाहिए। अगर वो सास है उस एज में चली गई हैं, अगर कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती हैं, कुछ आपसे चाहती हैं, तो आपको देने में कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, जिस चीज़ के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ और इतनी सारी बातें बढ़ गई, वो है प्यार और रिस्पेक्ट। आपकी सास से आपके साथ कुछ भी कर रही हैं, अगर आप उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट दे सकते हो ना, तो दो। किसी और का देख के ना उसे नेगेटिव कमेंट मत करो, बटरिंग कर रही है या क्या कर रही हैं, ठीक है, वो डिजर्व करती हैं वो प्यार। क्योंकि जिस बेटे को, जिस पति को आप इतना प्यार करते हैं ना, जिसके भरोसे उस घर में हो, उस बेटे को उन्होंने ही दिया हुआ है, तो आपके माँ से भी ऊपर है। तो आपका पूरा हक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें पूरा रिस्पेक्ट एंड प्यार दो। अब मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो कॉमेंट किया ना आपने कि जेठानी को एक और देवरा, सास को इतना दिया नहीं किया, या देवरानी ने जो भी बोला आप लोगों ने, वो बहुत गलत बोला है। और मुझे लगता है कि जो समझदार होंगे इस बात को समझेंगे और नेक्स्ट टाइम से ऐसा कॉमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो मुझे एक साड़ी दे, चाहे मुझे एक सूट दे, या सिर्फ एक मुझे चूड़ी सिंदूर बिंदी ही क्यों ना दे, ये कॉमेंट आप लोग नहीं करेंगे।